हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में आम जनता कांग्रेस के कुशासन से आजीज आ चुकी है चतुर्वेदी सोजत सिटी। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन के चलते भाजपा की शानदार वापसी होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज का समाप्त करने से आम लोगों का भरोसा बढ़ा है। वहीं राम मंदिर सहित अन्य विकास कार्य भाजपा की ताकत बने हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के छापों में पीयूष जैन से मिली अपार संपदा सपा का ही कोष है, जो उनकी नियत और नीति साफ दर्शाता है। चतुर्वेदी ने कहा कि हमारी नीति सदैव पारदर्शी रही है। पार्टी कोष के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से हमने कार्यकर्ताओं से सुचारिता के तहत चंदा एकत्र करने का अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आम जनता कांग्रेस के कुशासन से आजीज आ चुकी है एवं परिवर्तन होना तय है। राजस्थान का भाजपा कार्यकर्ताओं निष्ठा से पार्टी को ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। उन्होंने सनी लियोनी के मधुमन में राधिका नाचे अश्लील डांस पर संतों के विरुद्ध को सही ठहराते हुए कहा कि किसी को भी सनातन संस्कृति का माखोल उड़ाने की इजाजत नहीं है। यह बात चतुर्वेदी ने मंगलवार को सोजत में पूर्व कैबिनेट मंत्री के लक्ष्मी नारायण दवे के निवास स्थान पर पहुँचने के दौरान कही। चतुर्वेदी ने पूर्व का कैबिनेट मंत्री दवे की धर्म पत्नी श्रीमती उर्मिला दवे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उनके साथ विधायक श्रीमती शोभा चौहान, चेयरमैन प्रतिनिधि जुगल किशोर निंकुम, डॉक्टर आनंद भाटी, तारा चंद भाटी, उप चेयरमैन रामलाल सांकला, बार एसओ अध्यक्ष सुरेंद्र वैष्णव, पंकज त्रिवेदी, प्रफुल्ल ओझा, भाजपा मंडल अध्यक्ष नरपत राज सोलंकी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्यामलाल गहलोत, राजेश तंवर, रामेश्वर लाल जोशी, अशोक माहुड़ा, पार्षद राकेश पवार, भवानी शंकर सोनी, गणपत बौराणा, पद्म चंद, श्याम सिंह चौहान, गौतम तंवर, राजेंद्र शर्मा, कुलदीप भाटी आदि ने भी दिवंगत उर्मिला दवे को पुष्पांजलि अर्पित की। जागरूक टीवी के सोजत से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।